व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद शमी ने पहली बार मोदी और योगी पर बोल दी बड़ी बात। तो क्या बड़ी बात है ऐसी जो न्यूज कवर हो रही है, देखते हैं पूरी वीडियो। हेडलाइंस इंडिया चैनल पर आई है, मुझे लगता है उस बारे में होगी जो ड्रेसिंग रूम में आएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा होगा। और उस स्टेडियम भी बन रहा है ना यूपी में, तो चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 को ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद शमी को मोदी ने लगाया गले, तो आज शमी ने सामने आकर बोल दी बड़ी बात। पीएम मोदी पर मोहम्मद शमी ने ऐसा बोला, पूरा देश देखता रह गया। शमी ने बताया वर्ल्ड कप में किस कारण हुई टीम इंडिया की हार। भारत की मेजबानी में खेला गया क्रिकेट विश्व कप अब खत्म हो चुका है। फाइनल में मिली हार के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी काफी उदास थे। ऐसे में पीएम मोदी ने उन्हें ड्रेसिंग रूम में जाकर ढांढस बंधाया, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। अब वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से विपक्षियों की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपने गांव अमरोहा पहुंचे थे, और यही उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से मिलने के बाद उनको कैसा लगा और टीम इंडिया की हार किस तरह से हुई। देखिए, बहुत जरूरी होता है क्योंकि उस टाइम पर हम मैच हार चुके थे, और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है, और जब ऐसे ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है, वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज हो जाती है, कॉन्फिडेंस मॉरल सपोर्ट करती है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। शमी भाई, अपनी टीम ने 10 के 10 मैच बहुत अच्छी तरह से जीत, हमारी सरजमी पे मैच हो रहा था, प्रधानमंत्री ने किस तरीके से आप लोगों का क्या बात हुई? आप मुझसे सुनना चाहते हो, आपको वीडियो भी सोशल मीडिया पे घूम रही है, ऑडियो के साथ घूम रही है, आप लोगों ने देखा ही है कि कैसे उन्होंने सबका साहस बढ़ाया है, कैसे उन्होंने सबसे मुलाकात की है। ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि प्रधानमंत्री का आना एक छोटी चीज है। आपने 7 विकेट लिए थे भाई, आप शानदार आपका प्रदर्शन था, उस पर प्रधानमंत्री जी ने आपको कुछ कहा, हालांकि सौगात तो मिल गई है, योगी सरकार ने आपको दे दी है। देखिए, मेरी हमेशा कोशिश यही है कि कंट्री के लिए बेटर करते रहे, अच्छा करते रहे, टीम जीतती रहे। बहुत अच्छा भी किया। मेरा यही कहना है कि सब लोगों को अपना 100% देते रहो, कंट्री को जिताते रहो। सौगात की तो हम कभी नहीं सोचते हैं, सौगात ये दी है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्टेडियम मिला है, उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, उसके उसमें से कोई ना कोई प्लेयर बाहर निकल कर आना चाहिए, उस चीज पर हमारा फोकस होना चाहिए। यार, ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल हमारी समझ में तो आते नहीं, क्योंकि आप इस सवाल को कंट्रोवर्सी में ले जाते हो। बेसिक चीजों पर ध्यान दो, जिस चीज पे आपने पूरे 2 महीने से मेहनत की है उस चीज पे ध्यान दो। ये पॉलिटिकल एजेंडा, ये जो चीज कई लोग करते रहते बिना बात के, मुझे समझ नहीं आता इस चीज। यार, ओवरऑल तो आपने देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है सबका, क्योंकि 11 में से 10 मैच जीते थे उस टाइम, सो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, स्किल की कमी नहीं थी। मुझे लगता है कि एक बैड डे हो सकता है, जो मैंने बोला भी था टाइम हो सकता है, दिन खराब था, सबसे वो दिन हमारा नहीं था, तो वही चीज मैंने एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा, या फिर हम थोड़े रन कम रहे, वो सब चीजें आप दिन नहीं था यार, यही सच्चाई है। ऐसा कोई चीज नहीं थी जो हमें डाउन करे या मॉरल डाउन हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो। देखिए, हमेशा आप लोगों ने देखा ही है कि जब शाम को बैटिंग होती है, डे नाइट मैच इजी हो जाता है, सेकंड इनिंग आती है तो बैटिंग के लिए और बेटर हो जाता है विकेट, तो वो एक फैक्टर हो जाता है, और विकेट थोड़ी स्लो भी हो जाती है, फास्ट बॉलर्स को उतनी मदद नहीं मिलती, तो वो एक रीजन रहा है। शामी भाई आपने जो है टीम का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल में हमारी टीम इंडिया कहीं दिखी नहीं, बैटिंग फील्डिंग में भी थोड़ी सी हमारे लूज पॉइंट्स रहे, तो क्या कारण था, क्या बड़े मैच का दबाव था या कुछ और बात रही, या वीआईपी का जो मोमेंट था क्या वो भी एक प्रेशर था? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था, हम कभी ये सोचते नहीं मोमेंट किसका है या फिर क्या होता है, और ज्यादा ओवरथिंक हम करते नहीं है मैच को लेकर, क्योंकि जो प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट 10 मैच में किया था सेम प्रोसेस था, सेम एटीट्यूड था, सेम स्किल एग्जीक्यूट करने देख रहे थे, सेम प्लानिंग के साथ जा रहे थे। मैं फिर से वही कहूंगा कि एक बैड डे हो सकता है, और वो शायद हमारा फाइनल पहले 4 मैच में बाहर रहे आप टीम से, तब क्या दिमाग में चल रहा था, क्या हुई? यार, मेरी अप्रोच एक ही थी, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसी चीज है, क्योंकि आपके जो 15 हैं, मेरे साथ अश्विन भी बाहर थे, तो अगर 600-700 विकेट लेके बेंच पे बैठा तो टीम की क्या कैपेसिटी होगी, आपको आइडिया लग जाता है पूरी टीम। तो वहाँ पे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये हमारा बंदा क्या करेगा, क्या नहीं कर रहा, ये खेल रहा है, मैं नहीं खेल रहा हूँ, कभी आज तक वैसे मन में आया नहीं है ये सवाल।
ये बहुत बढ़िया बात बोली, और ये चीज सही है। लोग क्या करते हैं कि ऐसे कहते हैं कि वहां पर वीआईपी आ गए थे, सेलिब्रिटी आ गए तो प्रेशर ले गए। क्रिकेटर है वो यार, वो बड़ी से बड़ी सिचुएशन से रह चुके हैं, वो प्रेशर वाली सिचुएशन ऐसी ऐसी देखी हुई है। वो बिल्कुल सही बोलूंगा मैं कि वो एक दिन होता है, वो दिन एक बैड डे था हमारा, जिस वजह से हम लोग उस दिन नहीं कर पाए, बाकी कोशिश पूरी थी। और वही वाली बात जो मैंने काफी वीडियोस में बोला कि ड्यू फैक्टर आ जाता है ना तो पिच इजी होती है। कि पहले से भी तब हारे, ये मैच हारे थे, ये भी हारे, लेकिन वर्ल्ड कप में जो शुरू से परफॉर्मेंस रही वो अच्छी रही है। और फाइनल में भी हम अगर कहेंगे कि एक तरफा ही हार गए तो नहीं भाई, हमने बॉलिंग में फाइट बैक करा, लेकिन वो विकेट इतनी इजी होगी बैटिंग के लिए, चांसेस नहीं। जहां पर एज भी लगने थे वहां एज नहीं लग रहे हैं, एज लग रहा है तो बॉल जाके विकेट में नहीं लग रही, तो फिर छोटी छोटी चीजें, एलबीडब्ल्यू अपने फेवर में नहीं गया, विकेट अंपायर कॉल, तो छोटी छोटी चीजें मिल मुला के। विराट कोहली जब सोचा होगा तेज खेलता हूं तो विराट कोहली की विकेट में लग गई बॉल, जैसे नॉर्मली तो वो कैच वगैरह आउट होता है, उसका खुद का रिएक्शन ऐसा था कि एकदम से क्या हो गया। और मुझे अच्छा लगा कि जैसे ये चीज है, गवर्नमेंट थोड़ा सा आ रही है ना इस तरीके से कि स्टेडियम में, नो डाउट बीसीसीआई ऑलरेडी इतना पैसा है वो डेवलपमेंट करती है, लेकिन फिर भी भैया दुख है फाइनल का सबको रहेगा, लेकिन वही वाली बात है कि जिंदगी है, आगे बढ़ती है तो साथ में बढ़ते रहना चाहिए। और बाकी कल का मैच तो देखा ही होगा आपने, क्या बैटिंग करी भाई रिंकू ने, सूर्य कुमार ने, मजा आया था। और अगर मैं इनकी बात करूं शमी की, शमी ने वो वाली बात बहुत बड़े बोले कि अगर हम बाहर बैठे हैं, अश्विन भी बाहर बैठे, तो ये समझ लो उस टीम की कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी है हाँ। कितनी बढ़िया टीम है वो कि 15 में ही फाइट हो रही है, बढ़िया से बढ़िया बॉलर भी बाहर बैठ रहा है। आपका इस बारे में क्या पॉइंट हुए जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।